आपने सुना होगा, एक प्रसंग अपनी जिंदगी में उतारा होगा। भगवान कृष्ण कारागार में माता देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए, तब भगवान कृष्ण की जो उम्र थी वो 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष के हैं जम के बोलो जरा, 14 वर्ष। भगवान कृष्ण जब माता देवकी को छुड़ाने के लिए गए, वसुदेव जी को छुड़ाने के लिए गए, उस समय पर भगवान कृष्ण की उम्र 14 वर्ष की है। तो माता देवकी के जब कारागार से भगवान मुक्त कर रहे थे, तो देवकी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया कि तू तो भगवान है, तू नारायण है, तू कृष्ण है, तू राम है, तू परमात्मा है, तू विष्णु है, तू दत्त है, और तू नारायण होकर परमात्मा होकर मुझे छुड़ाने में तू 14 साल लगा दिए, और 14 साल के बाद तू मुझे छुड़ाने के लिए आ रहा है। कृष्ण, क्या 14 वर्ष के पहले तू मुझे छुड़ाने नहीं आ सकता था? देवकी माता ने अपने पुत्र कृष्ण से कहा कि 14 साल की तेरी आयु हो गई और 14 वर्ष के बाद तू मुझे छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण, क्या तू मुझे 14 साल के पहले छुड़ाने नहीं आ सकता था? भगवान कृष्ण ने कहा, माँ, 14 वर्ष के पहले मैं आ जाता, पर पुराना हिसाब पूरा नहीं हो पाता। माँ, जिस समय पर मैं राम बना था, उस समय पर तूने केकई बनकर मुझे 14 साल के लिए वन भेजा था, इसलिए 14 वर्ष का हिसाब आज पूरा हुआ। चौदह वर्ष का हिसाब आज पूरा हुआ है। तूने मुझे 14 वर्ष के लिए वन करा था, वन भेजा था, 14 वर्ष मुझे वन में रहना पड़ा, तो 14 साल तुमको कैद में रहना पड़ा। ये हिसाब है मनुष्य जीवन का। देवकी ने कहा, अगर मैं केकई थी तो यशोदा कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं, वो यशोदा राम अवतार में जो मेरी माँ कौशल्या थी, जो 14 साल मेरा इंतजार करी थी, वो यशोदा मेरी माँ कौशल्या। तूने मुझे 14 वर्ष के लिए वन भेजा, तो 14 साल तुम्हें कैद में रहना पड़ा। वो 14 साल मेरा इंतजार करती रही, मेरा बेटा आएगा, मेरा पुत्र आएगा, रोती रही मेरी याद में, बिलखती रही मेरी याद में, अपनी आंखों के आंसू बहाती रही, इसलिए यशोदा जी की गोद में मुझे 14 साल रहना पड़ा, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहती थी। कर्म कैसा है आपका, कर्म की गति कैसी है आपकी?